يا نسمة الصبح الآثير تكلمي وروي حديثا مفعما بيتان يا نسمة الصبح الآثير تكلمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

अल्लाह उसका मुहासबा तुमसे करेगा फिर जिनको चाहेगा मगफरत से नवाजेगा और जिनको चाहेगा सज़ा देगा और अल्लाह हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है पैगम्बर उस पर ईमान रखते हैं जो उनकी तरफ उनके रब के पास से नाजिल किया गया और तमाम अहल ईमान ईमान रखते हैं सब अल्लाह है। और उसके फ़रिश्तों उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं और ये कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और सब ने कहा कि हमने अहकाम इलाही सुन लिए और उनकी इता की ये हमारे रब हम तेरी मगफ़रत चाहते हैं और हमें तेरी ही तरफ हाजिर होना है अला किसी शख्स को उसकी कुदरत वसअत से ज़्यादा मुकल्फ़ नहीं करता और जो अमल वो करता है उसका फ़ायदा उसी को होता है और जो गलती करता है उसका नुकसान उसी को होता है दुआओं पर अख्ताम ए हमारे मालिकों परवरदिगार हमारी भूल चूक पर हमारा मौखजा न फरमा ए हमारे मालिक व परवरदिगार हमारे ऊपर वैसा बोझ न डाल जैसा हमसे पहले लोगों पर डाला था ए हमारे मालिक व परवरदिगार हम पर ऐसा बार मत डाल जिसकी हमें ताकत नहीं और हमें माफ़ फरमा दे और हमारी मगफरत फरमा दे और हम पर रहम फरमा तू ही हमारा कारसाज़ है काफिरों पर हमें फतह नुरत अता फ़रमा सूरतलब की ये आखिरी आयात है आयत नंबर दो सौ चौरासी दो सौ पचासी दो सौ छियासी ये तीन आयात करीमा हैं जो इस पूरे दस्तूर का अख्तामिया है अल्लाह की तरफ़ से सूरतबकर की शक्ल में जो दस्तूर इस्लामी आता फ़रमाया गया है जिसमें इबादत का माशरत का मामलत का और जहाद का और मालियात का और किसी कदर सियासत और हुकूमत के निज़ाम का तस्करा फरमाया गया है और एक जाम दस्तूर अता फ़रमाया गया है इस दस्तूर का अख्ताम एक नामे पर एक, एक, एक नामे पर किया जा रहा है जैसे बग़ैर किसी तशबी के किसी पार्लियामेंट में हलफ़ लिया जाता है वजीर आजम हलफ़ लेता है वज़रा हलफ़ लेते हैं मेम्बरान पार्लियामेंट हलफ़ लेते हैं ऐसे ही ये हलफ़ लेने की एक तकरीब है अल्लाह ताली की तरफ़ से जो दस्तूर दिया गया है उस दस्तूर के जो बुनियादी नुकात हैं इन का मुआहदा करना है इन नुकात का इकरार करना है ये नुकात अता किए गए हैं जिनमें पहली बात जो इर्शाद फरमाई गई जो बुनियादी अकीदा है और बुनियादी फ़िक्र है जिसके महवर के गिर्द इस्लाम गर्दिश कर रहा है इस्लामी निज़ाम की चक्की का वो मरकज़ी पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह मालिक है अल्लाह हाकिम है अल्लाह आलम्ल व शहादा है अल्लाह पर कोई बात मख्फी नहीं है और अल्लाह ज़ाहिर और बातिन दोनों पर निगाह रखता है और अल्लाह की तरफ से जाहिर पर भी मुआज़जा होता है और बातिन पर भी होता है जाहिर का खैर हो या बातिन का खैर उस पर अल्लाह की तरफ से जजा मुकरर है जाहिर का शर हो या बातिन का शर उस पर अल्लाह की तरफ से सज़ा मुकर्र है माफ़ करने के इख्तियार भी अल्लाह के हाथ में हैं सदर ममलकत के हाथ में नहीं वजीर अज़म के हाथ में नहीं किसी किसीदार के हाथ में नहीं इस्लामी नज़ाम में हाकिमियत अल्लाह के साथ मखसूस है और हाकिमियत इस बुनियाद पर है कि मालिकियत अल्लाह की तय है और मालिकियत भी इसलिए है कि खालकत अल्लाह की तय है और खालिकत और मालिकियत की बुनियाद पर मबूदियत अल्लाह की तय है अल्लाह क्योंकि खालक है और अल्लाह क्योंकि मालिक है इसलिए इबादत अल्लाह की पूजा अल्लाह की बंदगी अल्लाह की ताबेदारी अल्लाह की अल्लाह की ममलकत में अल्लाह की हुकूमत में अल्लाह की हुक्मरानी के तहत अल्लाह के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आसमानों में फ़ाओं में ज़मीन में उसकी तहों में जो कुछ है अल्लाह का इंसान की हैसियत एक ट्रस्टी की है एक अमीन की है एक ऐसे शख्स की है जिसको अमानत सौंपी गई है और इस अमानत के बारे में उससे सवाल होगा उसने अमानत का हक किस तरह अदा किया जान अमानत है माल अमानत है वक्त अमानत है सलाहियतें अमानत है जो कुछ भी इंसान के तसरफ में है अमानत है इंसान मुकम्मल बाख्तियार नहीं है इंसान अपनी इस दुनिया का बादशाह नहीं है इंसान के हाथ में तसरफात नहीं है वो पाबंद है वो बंदा है वो मोहताज है उसकी मौत उसकी हयात उसके अल्लाह और मालिक के कब्ज़े में है इसलिए उसको अल्लाह की मातहती में और अल्लाह की बंदगी में ज़िंदगी गुजारना है और उसका इकरार करना है कि ये जो कानून दिया गया है ये सिर्फ़ अल्फाज के मजमू नहीं हैं यह कानून की सिर्फ दफात नहीं है ये कानून की, की बारीकियाँ सिर्फ बयान नहीं की गई हैं ये सिर्फ़ अहकाम इसलिए नहीं दिए गए हैं कि बालाए ताक रख दिए जाएँ और या पुलिस के ढंडों की बुनियाद पर इनका नफाज अमल में लाया जाए किसी बैरूनी ताकत की वजह से जो अमल किया जाएगा वो अल्लाह का नहीं है वो अल्लाह के लिए नहीं है अगर दबाव में डर से खौफ से या रियाकारी से नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वो अल्लाह के लिए नहीं ज़कात अगर किसी दबाव में दी जा रही है और नियत अल्लाह को राज़ी करने की नहीं है तो वो ज़कात अल्लाह के काबिल कबूल नहीं है हज तजारत के लिए किया जा रहा है सियाहत के लिए किया जा रहा है मुलाजमत के लिए किया जा रहा है या रियाकारी के लिए किया जा रहा है तो वह हज अल्लाह को मंजूर नहीं है जाहिर है कि जब ये बड़ी इबादत अल्लाह को मंजूर नहीं है जब तक कि खालसता लिवजिल्ला न हो तो फिर मामलात हों खानदानी ज़िंदगी हो, हो लेन देन हो इंतज़ामी अमूर हों तलीम तरबियत के मसाइल हों सियासत और हुकूमत से मतलब इशूज़ हों ये सब के सब अल्लाह से वाबस्ता होने ज़रूरी हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि इकरार नामे में पहला पॉइंट ये हो जो हलफ़ लिया जाएगा इस, आ, इस्लामी पार्लियामेंट में जो हलफ लिया जाएगा अल्लाह की बंदगी के मुताबिक पार्लिमेंट में या मजलिस शूरा में या लाही और रब्बानी निज़ाम में तो उस हलफ़ का जो पहला नुक़ होगा जो पहला पॉइंट होगा वो पॉइंट ये होगा कि लाही माफिस समावाती वाह मा जो कुछ भी है ज़मीन में वह अल्लाह का है जो कुछ है आसमान में अल्लाह का है जो कुछ है फ़िज़ा में अल्लाह का है जो कुछ है बर्र बहर में अल्लाह का है हमारे यहाँ जब पार्लिमेंट में हलफ लिया जाता है तो ये कहा जाता है कि ईश्वर के नाम पर हम हलफ ले रहे हैं और दस्तूर के मुताबिक हम इस हलफ़ को ले रहे हैं और हम दस्तूर की हिफाज़त करेंगे और दस्तूर के अंदर जो बातें भी कही गई हैं उनकी पाबंदी करेंगे हम उनकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे ये द, ये अहद होता है ये वो हलफ होता है जिस हलफ़ की बुनियाद पर पार्लियामेंट शुरू होती है और अगर कोई इस हलफ को लेने के लिए तैयार ना हो तो उसकी मेंबरशिप साकित कर दी जाती है हर शख्स को पाबंद होना पड़ता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है मुल्क का दस्तूर बनाया गया है उसको कबूल करना है उसका इकरार करना है यानी लाखों करोड़ों इंसान जिसको देखें वरना कम अज़ कम जो कौम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुँचे हैं उनके सामने ये बात हो कि हर हर शख्स ने इकरार किया था तो सिर्फ दो गवाह ने आम मामलात में दो गवाह काफ़ी होते हैं लेकिन यहाँ जितने भी शूरा के लोग हैं ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं ये जितने भी आवाम के मंतख करदा लोग आए हैं वो पाँच सौ हों या साढ़े पाँच सौ हों या कम हों या बेश हों वो सब गवाह होते हैं तो इससे बड़ी गवाही कौन सी हो सकती जो ली जाती है अब यहाँ पर यह जो गवाही ली जा रही है ये पूरी उम्मत के सामने ली जा रही है जो इस्लाम में ज़िम्मेदार मुतिन किया जाता है जो खलीफा बनाया जाता है अमीरुल अमीराम तय किया जाता है वो पूरी उम्मत के सामने गोया इस बात की गवाही देता है कुरान के अल्फाज में कि मेरा कुछ नहीं है मैं फकीर हूँ मैं गरीब हूँ मैं बंदा हूँ मैं मोहताज हूँ मैं सदर ममलकत हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गर्दने मेरे हाथ में हैं और मैं तुम्हारे माल का मुतवली हूँ इस माना में हूँ कि काबिज हूँ। मैं अल्लाह के मातहत हूँ मैं अल्लाह की मालिकियत और हाकिमियत को तस्लीम करता हूँ नंबर दो ये कि आपके सिर्फ ज़ाहिर से ही मामले का ताल्लुक नहीं है दुनिया के आम कवानीन का ताल्लुक जाहिर से होता है क्योंकि जो इंसान उस क़ानून के ज़िम्मेदार होते हैं चाहे वो वजीर आजम और सदर ममलकत हो चाहे वो चीफ जस्टिस हों या वो जस्टिस हो, हो, इन ओहदों पर हो, वो आलमुल ग़ैब नहीं होते उन्हें मालूम नहीं होता है कि जो शख्स भी उनके सामने उसके दिल में क्या है जिसका भी केस है उसके दिल में क्या है जो हलफ ले रहा है वो झूठा हलफ ले रहा है या सच्चा जबान से वो जो कह रहा है उसी इकरार को माना जाता है क्योंकि उसके दिल के अंदर क्या बात है जाहिर है कि आज की दुनिया में तो सूरत हाल ये होती है कि जो पार्लियामेंट में हलफ लिया जाता है वो एक दिखावा होता है एक नुमाइश होती है एक ड्रामा होता है एक मुजाहरा होता है इसलिए कि जो ये हलफ़ लेते हैं कि वो दस्तूर के मुताबिक काम करेंगे वो अपनी ज़िंदगी में दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हैं वो अपनी हुकूमत में दस्तूर की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं लोगों के हकूक मार लेते हैं वो म करते हैं वो ज़ातियाँ करते हैं वो ख़ुद अपने दायरे में दस्तूर को तोड़ते रहते हैं और दूसरों पर दस्तूर के हवाले से कानून करते हैं, उनसे डर दिलाकर होता है, है।, दिला है। क्योंकि वो सिर्फ के मालिक होते हैं लेकिन यहाँ अल्लाह के कानून में ये बात फरमाई जाती है कि मामला जो हो रहा है अल्लाह से हो रहा है जो खालिक भी है मालिक भी है हाकिम भी है और इसी के साथ साथ वो गैब के बारे में भी जानता है जो तुम्हारे दिलों के भेदों से वाकिफ़ है जो तुम्हारे बातिन से वाकिफ़ है।, वाकिफ है जो तुम्हारी अंदरून से वाकिफ़ है जो तुम्हारी नीयतों से वाकिफ़ है इसलिए यह मत समझना कि इस्लामी मबलकत में मामला सिर्फ जाहिर से होगा तुम्हें यूँ समझना चाहिए कि अल्लाह की ममलकत के एक बाशिंदे हो तुम और इस बाशिंदगी को जहन में रखते हुए और अल्लाह की बंदगी का इसतज़ार करते हुए ये समझो कि पुलिस वाला है या नहीं फौजी है या नहीं ताकत का मुजारा हो रहा है या नहीं तुम खलवत में हो या जलवत में हो हर हालत में तुम्हें इस क़ानून इलाही की पैरवी करना है क्योंकि ये बातिन की भी जिम्मेदारी सौंप रहा है और जाहिर की भी जिम्मेदारी सौंप रहा है और ये बता रहा है कि मगफरत अल्लाह के हाथ में है अजाब भी अल्लाह के हाथ में है हर चीज़ पर सिर्फ अल्लाह कुदरत रखता है यह पहला पॉइंट है अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि इस बात का इजहार करना है कि जिस दस्तूर को हमने तस्लीम किया है उस दस्तूर पर जो अकीदा जो नज़रिया हाकिम है वो नज़रिया ये है कि अल्लाह की वहदानियत को और उसकी सिफ़ात को, को और उसके आजमायसन को और उसके फरिश्तों को और उसकी किताबों को और उसके रसूलों को सबको तस्लीम करना है और इस तरह तस्लीम करना है कि तमाम फरिश्तों को जब्रैल को या मिकाइल को या इसराइल को या इसराफील को मुस्तना नहीं करना है जैसे यहूदी मुजरमों ने किया कि वो हजरत जब्रैल से दुश्मनी करते थे इसी सूर्य वक्रा में बयान किया गया कि इतने निकम्मे ऐसे नालायक ऐसे बदकस्मत थे कि फरिश्तों में तफरीक करते थे और पैगंबरों में जो तफरीक और अल्लाह की किताबों में जो तफरीक वो तो जाहिर व बाहिर है कि जो तौरात को मानते थे उन्होंने इंजील को नहीं माना उन्होंने ज़बूर को नहीं माना और कुरान को तो मानने के लिए वो तैयार ही नहीं हुए और जिन्होंने इंजील को माना उन्होंने तौरात में कटौती की और कुरान को नहीं माना तो सूरत हाल दुनिया में ये रही कि एक किताब को मानने वाले दूसरी किताब को नहीं मान रहे थे एक नबी को मानने वाले दूसरे नबी का इनकार कर रहे थे और अल्लाह ताला ने यही एहद लिया पैगंबरों से भी यही एहद लिया कि तुम जिस वक्त पैगंबरी का फरीज़ा अंजाम दो कोई दूसरा नबी या पैगम्बर तुम्हारे ही दौर में सामने आए तो तुम उसकी मदद करोगे और ये जो पैगंबरों से अहद लिया गया यही यहीमा से लिया गया कि हर आलिम दूसरे आलिम के लिए मददगार हो उसकी नुसरत करे उसका हक़ तस्लीम करे उसका एतराफ़ करे जो साहेब हक़ है उसके हक़ को माना जाए उसको तस्लीम किया जाए तो अब यहाँ पर दूसरा जो इकरार करवाया गया दूसरा जो पॉइंट है और नुकता है जिस पर हल्फ लिया गया वो ये है कि सबसे पहले तो पैगम्बर जो अल्लाह के नुमाइंदा हैं अल्लाह की तरफ से खलीफा हैं अवल वमुसलम हैं मुसलमानों के हाकिम भी हैं और मुसलमानों के बुज़ुर्ग भी हैं ये सारी हैसियतें हैं उन पर भी ज़िम्मेदारी डाली गई है कि वो भी हलफ़ लें जिम्मेदारी सिर्फ़ आवाम पर नहीं है कि नबी के जो उम्मती हैं वो तो हलफ़ लें और नबी इससे माफोक हैं इससे मुबर्रा है ऐसा कहीं वहम ना हो इसलिए रबिन पैगंबर भी ईमान लाए और ईमान वाले ईमान लाए यानी पैगम्बर और पूरी उम्मत को शामिल किया गया और एक साथ दोनों के इकरार का तस्करा किया गया कि हल्फ जो है जिस तरह सदर ममलकत को भी लेना है वज़ी अज़म को भी लेना है इसी तरह पूरी उम्म इस्लाम के जो सरबरा है, आजम हैं पैगम्बर खात पैगम्बर आज़म हैं और ख़ातिमबी जी हैं यानि हजरत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वसम वो भी इकरार कर रहे हैं कि जो कुछ भी अल्लाह ने उतारा जो क़ानून दिया है जो दस्तूर दिया है उसकी जो दफात दी है मैं उन्हें मानता हूँ फिर जाहिर है कि पूरी उम्मत को यह दावत दी गई जब तुम्हारे पैगंबर ने माना तो फिर तुम्हें मानना है और सब ने क्या माना अल्लाह को माना अल्लाह को बैसीत रब के माना बहसीत मालिक के बहसीत खालिक के बहसीत हकम के बहसीियत कानून साज़ के बहसीियत रहमान के रहीम के जो भी उसके असमाय हसन हैं वफात उलिया हैं उन तमाम सिफात के साथ अफ़ल के साथ माना जिनकी तफसील सर बकर में भी बयान की गई हैं और दीगर सूरतों में भी बयान की गई हैं यहाँ मुजमलन हलफ लिया जा रहा है ज़ाहिर के हलफ का वक्त एक मिनट का दो मिनट का होता है उस वक्त कोई लंबी तकरीर तो होती नहीं है कि हर आदमी पूरी किताब को फिर से दोहराए और उसके बाद हलफ़ में इस पूरी किताब की तिलावत करें अगर ऐसा कोई हलफिया बयान लिया जाएगा तो, तो दिन और रात और कहीं कहीं दिन और कहीं कहीं हफ्ते गुजर जाएंगे लिहाजा यहाँ सिर्फ मजमल तौर पर सब के सब अल्लाह पर ईमान लाए अकरार करें इसका ファリストーカーを前に。 अल्लाह की तमाम किताबों को माना कि वो किताबें बरहक़ थीं और बरहक़ नाजिल फ़रमाई गई और फिर इसको माना कि क़ुरान ख़ुद ये कहता है कि लोगों ने तौरात में बदल किया ज़बूर को बदल दिया इंजील को बदल दिया जिसके बारे में ये दस्तूर ये बता रहा है कि उन किताबों में तहरीफात की गई तो इसको भी मानना ज़रूरी है कि वह किताबें बरक़ थी लेकिन इंसानों ने उनमें तहरीफात की हैं और फिर तमाम रसूलों को माना अब रसूलों की जो शक्ल पेश की गई है वो म जाती है जहाँ सही शक्ल को तब्दील कर दिया गया कि जिसने हजरत उज़ैर के बारे में ये कह दिया कि वह अल्लाह के बेटे थे या ईसा के बारे में कह दिया कि वह अल्लाह के बेटे थे या अल्लाह की खुदाई में उसकी उलूहियत में वो शरीक हो गए थे या वो अल्लाह के, के सिफत कलाम के तर्जमान और नुमाइंदा थे जिसने भी कोई बात ऐसी कही जो कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम वलम वलम यकुल यौलत वलमयल्कफ़ून अहद के खिलाफ हो जो आयतुल कुर्सी के ख़िलाफ़ हो जिसका सबक गुजर चुका है जो भी किसी पैगंबर के बारे में ऐसी बात कहेगा या किसी भी इंसान या किसी भी वजूद के बारे में अल्लाह की सिफात में शिरकत करार देगा वह मशरक होगा फिर वह मोमिन और मुसलमान नहीं रहेगा इसलिए पैगम्बरों का जो तारफ अल्लाह ने कराया है उसी तारफ को बुनियाद बनाते हुए उनको तस्लीम करना है और उनमें नबोवत और रसालत के नुकते में कोई तफरीक नहीं करना है नबी होने की हैसियत से रसूल होने की हैसियत से जो रसूल थे वो सब बराबर जो नबी थे वो सब बराबर ये इस पहलू से जैसे इंसान इंसान बराबर जैसे किसी मदरसे के तालब इम और तालब बराबर और उस्ताद और उस्ताद बराबर बराबर होने का मतलब ये नहीं कि सबका इल्म बराबर सबकी सलाहियत बराबर सबकी हैसियत बराबर उनकी वो एक मुश्तरक हैसियत है जिसके जिसमें बराबरी का जिक्र फरमाया गया लेकिन इंसान उन इंसान में कितना तफावत होता है तालब इम में कितना फ़र्क़ होता है और उस्ताद और उस्ताद में कितने दर का फ़र्क होता है वो अपनी जगह तस्लीम किया जाएगा इसको भी इस सूर में बयान कर दिया गया तिलकर रसुल बात भी गुजर चुकी है कि रसुलों में हमने फ़र्क रखा है यानी फजीलत के एतबार से किसी को बहुत फजीलत दी है किसी को कुछ कम किसी को कुछ बेश तो उनकी नबूत में उनकी रिसालत में कोई फ़र्क नहीं इस हैसियत से वो एक मकाम पर फायज़ है लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके मकाम का और उनकी खसूसियात का और उनके कमालात का इनमें में फ़र्क है जिसको अल्लाह ताली ने वमा दिया है और फिर उसके बाद अब तीसरा पॉइंट ये है जिसका इकरार करना है हलफ लेते हुए उसका इजहार करना है समय वना वा, वा हमने दस्तूर सुन लिया हम उससे वाकिफ हो गए हमने उसका मुताल कर लिया हमने उसको पढ़ा है इसीलिए जो दस्तूर को ना पढ़े वो पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकता है वो वजीर नहीं बन सकता अगर जाहिल हो लठ हो देहाती हो कुल्लड़ हो मग्गा हो और उसके, उसके अंदर इल्मी सलाहियत ना हो तो उसको ये हक नहीं है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बने और जो आज सूरत हाल है डेमोक्रेसी के नाम पर डंगरों को जिस तरह से मेंबर बना दिया जाता है एक से एक हैवान एक से एक दरिंदे एक से एक सांप बिच्छू नुमाइंदा बना दिए जाते हैं ज़ायरे के ये आवाम की आखिरी दर्जे की जिल्लत है उनकी कमतरी है उनके अपने अंदर की हकारत है कि वह ऐसे लोगों को मंतख करते हैं जिन पर अदालतों में केस चल रहे हैं कत्ल के केस चल रहे हैं डकैती के चल रहे हैं और बड़े बड़े गबन के केस चल रहे हैं वो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट

उनको चाहिए कि वो अपने ऊपर मातम करें अपनी अकलों को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दें अपने सर दीवारों से टकराएं और अपने को कोसें कि तुमने ही मुंतखब किया था इनको जिनको आज तुम तो मुजरिम कहते हो इसलिए और मैं गया कि वाकिफ हो जाना चाहिए समय ना वही शख्स कहेगा जिसने सुना हो हमने सुन लिया पढ़ लिया या सुन लिया ऐर के खिताब हो रहा है अल्लाह की तरफ़ से इसलिए सुनने की बात कही गई खिताब हो रहा है नबी की तरफ से इसलिए सुनने की बात कही गई और वो लोग अक्सर उम्मी थे अनपढ़ थे लिहाजा उनको पढ़ने की सलाहियत हासिल नहीं थी लेकिन सुन सकते थे जान सकते थे समझ सकते थे कानों से सुनकर बात समझ रहे थे इसलिए जो अल्फाज यहाँ पर हल्फिया बयान में मंतखब किए गए वह समा सुना हमने वह अफाना माना हम तस्लीम कर हम इकरार करते हैं कि हम इस दस्तूर को मानेंगे इसकी फरमाबर्दारी करेंगे इस पर अमल करेंगे कोताहियों पर अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे ऊफ़रा और ये यकीन रखते हैं हम कि इसी दुनिया में नहीं रहेंगे यहीं खापी के ख़त्म नहीं हो जाएंगे और यहाँ का जो कुछ भी अमल है उसके बारे में पूछ गछ होगी हमें मालूम है कि हमें अल्लाह के हजूर जाना है ये इकरार करते हुए इजहार करना है कि हमारा ईमान सिर्फ इस दुनिया पर नहीं है हम आखिरत को मानते हैं ये दुनिया इम्तिहान के लिए ये दुनिया एक जायज़े के लिए ये दुनिया सिर्फ एक तजिए के लिए ये दुनिया एक मौका फराहम करने के लिए और इसी मौके के नतज की बुनियाद पर फैसले शादिर होंगे इसलिए जिस वक्त यह बयान लिया जा रहा है हल्फिया के हमने सुन लिया और हमने मान लिया तो साथ ही साथ ये बात भी कि मानने में कोताहियाँ होती हैं भूल चूक होती है, है इसलिए गुफरानक नक एल्ला बस अब तुम माफ़ फरमा मफफ़रत फरमा जहाँ भी कोताही हो जाए उसको माफ़ कर दे हमें ये यकीन है कि बहरहाल तेरे हुजूर हाजिर होना है और जजा व सजा के फैसले होने हैं इसीलिए मगफरत के हम तलबगार गार जिस आदमी के दिमाग में आखिरत नहीं होती वो तो भेड़िया होता है वो तो दरिंदा होता है उसका तो हाल ये है कि अपनी ख्वाहिश अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद पर जो चीज़ भी चाहता है घसीटना चाहता है उसका दिमाग क्योंकि खाली है इससे कि कोई और भी जगह है जहाँ जाना है मौत के बाद उठना है ये बात उसके जहन में नहीं होती तो इसलिए वो एक मुजरिम किस्म का इंसान होता है मादा परस्त और दुनिया परस्त और उसके अंदर की जो ख्वाहिशात हैं उनके शोले भड़कते रहते हैं इसको बयान करने के बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से इसी हल्फिया बयान में एक बात वाज फरमा दी गई और जो दस्तूर का खुलासा है दस्तूर की बुनियाद है और जिस अमल और जिस इम्तिहान की दावत दी गई है उस अमल और इम्तिहान में किस तरह अल्लाह की तरफ से आदिल का मामला किया जा रहा है इस सिलसिले में ये फ़रमा दिया गया ये पूरा क़ानून ये पूरा क़ानून ये पूरा दस्तूर और इसकी तशरीह जो हुजूर के जो अल्लाह के नबी हज़रत महमद सल्लाम ने फरमाई है इस पूरे कानून में ये उसूल कार फरमा है कि इंसान की इसतात से ऊपर कोई मुतालबा नहीं किया जाता जहाँ इंसान की इसात ख़त्म हो जाती है वहाँ हुक्म ख़त्म हो जाता है या हुक्म बदल दिया जाता है अगर किसी के अंदर इस्तात खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की नहीं है तो फिर हुक्म बदल दिया जाता है तखफीफ़ कर दी जाती है और यह कहा जाता है कि वो बैठ कर पढ़ लें अगर बैठ कर भी उसके अंदर पढ़ने की सलाहियत नहीं है तो फिर ये इजाज़त दी जाती है कि वो लेटे लेटे पढ़ लें अगर रोज़ा रखने की किसी में सलाहियत नहीं होती है तो रोज़ा उससे माफ़ हो जाता है या अगर महदूद तौर पर ऐसा होता है तो उसकी क़़ा उसके ज़िम्मे की जाती है अगर किसी के पास माल है ही नहीं कि वो जकवात अदा करे तो उस पर ज़कवा़त फ़र्ज ही नहीं होती अगर अगर किसी के पास इतना माल नहीं है कि वह हज कर सके तो उस पर हज लाजिम ही नहीं होता है उस पर हज लाजिम ही नहीं होता है तो गर्ज के ये बुनियादी असूल है कि ऐसा नहीं है कि यह इस्तादी निजाम हो और ये डिक्टे, डि, डि, हो। यह डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप पर मबनी कानून हो यहां यह नहीं है कि कोई कर सके ना कर सके मरे या करे यहाँ यहां ऐसा यह, यह, जालिमाना निजाम नहीं है या जो निज़ाम दिया जा रहा है आदिलाना है रहीमाना है मुशफिकाना है करीमाना है और क्योंकि वो निज़ाम इस पर मबनी है इसलिए इंसान की क़ुदरत उसकी वसअत उसकी उसकी हैसियत ये सारी बातें मलहूज़ रखी गई और उसूल ये तय कर दिया गया है कि जो भी काम इंसान करेगा उसका ज़िम्मेदार वो है कोई गलती इंसान से सरजद होगी तो वो ग़लती उसके ज़िम्मे होगी उस गलती को उसके बाप पर नहीं डाला जाएगा उसके बेटे पर नहीं डाला जाएगा उसकी बीवी पर नहीं डाला जाएगा उसकी भाइयों उसके भाइयों पर नहीं डाला जाएगा कोई शख्स इस बुनियाद पर नहीं पकड़ा जाएगा उसको सजा नहीं दी जाएगी कि उसके भाई ने कोई ज़्यादी की है या किसी के शोर ने या किसी के बीवी ने कोई ग़लती की है कोई गुनाह किया है ये दूसरा जबरदस्त ज़रदस्तूल है और क़ानून इसी का मतकाजी होता है अगर कानून अदल पर मबनी है तो फिर ये कभी नहीं हो सकता कि गलती कोई करे और छेड़ा जाए दूसरों को जो िमाना कवानीन है या माना लोग हैं जो कानून को ग़लत तरीके पर लेके चलते हैं वो किसी एक शख्स की गलती की बुनियाद पर उसके घर वालों को परेशान करते हैं कुछ ऐसे जालिम और बिगड़े हुए बदुनवान पुलिस वाले होते हैं जो किसी घर में घुस कर उस शख्स की औरत को परेशान करते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को करते हैं बूढ़े माँ बाप को करते हैं जिस शख़्स ने कोई ग़लती की जिम्मेदारी उसकी है लाह मा कसब वाली मक जो उसने अच्छा काम किया उसका फ़ायदा उसको पहुँचता है बुनियादी तौर पर और जिसने कोई गलत काम किया उसकी ज़िम्मेदारी उस पर है यह है आदिलाना क़ानून का ज़बरदस्त निज़ाम और उसके बुनियादी असूल जिनको हर हालत में मलहूज रखना है यही वो कानून है कि जिसको जब भी तोड़ा जाता है तो एक ऐसा इस्तादी ालमाना कानून सामने आता है जिसमें बादशाह अपने हाथ में सारे इख्तियारत ले लेता है बल्कि ऐसा लगता है जैसे लोगों की किस्मतों का मालिक बन गया है फिर वो न बच्चों को बख्शता है न बूढ़ों को न औरतों को वो एक ालम ऐसा वजूद होता है कि उसके अंदर से सिर्फ भेड़िए निकलते हैं और दरिंदे उससे जाहिर होते हैं और वह सांप बनता है और बिच्छू बनता है जाहिर है कि दुनिया में ऐसे बहुत से हुम थे हैं और रहेंगे जिनका किरदार दरिंदों का किरदार है और जो अपनी ताकत का जा और बेजा इस्तेमाल करके खुदा से लड़ते हैं खुदा के कानून का इनकार करते हैं खुदा के निज़ाम को बर्पा करने के लिए तैयार नहीं होते ये वो बुनियादी हकायक हैं इन पर हलफ लिया गया क़ानून दिया गया एक तफसील के साथ जिसकी बाद में फिर तोज़ीत होंगी लॉज होते हैं फिर बाई लॉज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता है और फिर कवानी और उसकी दफ़ात होती हैं ऐसी दूसरी सूरतों में बहुत सी तफसीलत आती रहेंगी लेकिन बुनियादी कानून का ये ढांचा है जो इस सूर्य के ज़रिए आता फरमाया गया अब उसके बाद मजलिस का अख्ताम दुआ पर होना चाहिए यही अल्लाह ने सिखाया है अपने नबी से भी यही फरमाया था कि जब आप अपने काम से फ़ारिग हो जाएं तो अल्लाह से लौ लगाएं फिर अल्लाह से मांगें अल्लाह की हज़ूर इबादत करें और अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ बढ़ाएं और इसी तरह अहल ईमान का जहाँ तस्करा फरमाया गया वहाँ फरमाया गया कि रात भर तजुद पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इस्तफार करते हैं यानी दुआ मांगते हैं तो अख्ताम बिलखैर का तरीक़ा ये है कि जिस तरह अल्लाह के साथ वाबस्तगी से आगाज़ हो वैसे अल्लाह के साथ मुकम्मल वाबस्तगी पर अंजाम हो और इख्तिताम बिल खैर हो और इस अख्ताम बिल खैर के लिए इससे बेहतर कोई शक्ल नहीं है कि अल्लाह से लो लगाई जाए दुआ मांगी जाए क्योंकि दुआ को अल्लाह ताला ने ऐसा मकाम फ़रमाया है कि फरमाया गया दुआ यानी तकदीर के फ़ैसलों को भी दुआ बदलवा बदलवा देती है इसलिए दुआ पर अख्तित जब करवाया गया तो फिर अल्लाह ही की तरफ से सिखाया गया कि यूँ मांगो ये कहो कि अल्लाह हम भूल जाएँ भटक जाएँ हमसे चूक हो जाए तो हमारा मवाखज़ा ना फरमाइए ये अल्लाह की तरफ से जब तलकिन है तो इसका मतलब अल्लाह की तरफ से ये पहले से मकबूल है कि अगर इन अल्फाज में दुआ करोगे और दुआ की जो शरात है वो पूरी करोगे तो ये दुआ मंजूर होगी क्योंकि सरकार की तरफ से दी गई है ये तजवीज़ करदा है और इसी तरह ये कहो तुम लोग अब आखिरी उम्मत हो और तुम्हारा जो दौर है अब वो उस ताकत और क़ुत का नहीं है न वैसे जिसम रहे न वैसी ताकत रही इसलिए तुमको अपनी दुआ में ये भी कहना चाहिए अल्लाह तल्क़ी कर रहा है कि अल्लाह जिस तरह माजी में लोगों पर सख्त अहकाम आये किए गए हमें ऐसे अहकाम से महफूज फरमा हमें ऐसे सख्त अहकाम न दिए जाएँ जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हों और हमारी कुदरत कम है हम कमज़ोर हैं आखिरी दौर के लोग हैं तो हमारे साथ सहूलत और आसानी का मामला फरमा और इसी तरह इसी की मजीद तोज़ी करते हुए ये फरमाया गया कि जिसकी हमारे अंदर इस्तात नहीं है ताकत नहीं है हमारी कुदरत में जो बात नहीं है अल्लाह हमें उसका आ, हमें उस उसका ज़िम्मेदार मत बना हम पर उसका बोझ मत डाल हमारे ऊपर ऐसी जिम्मेदारी मत डाल दे के जो हम हम सहार न सकें ये तो पहली दुआ ये कि हमारा भूल चूक में मौखा ना हो दूसरी दुआ ये कि माजी में जो सख्त आकाम दिए गए वो हम पर आयद ना किए जाएँ तीसरी दुआ ये कि हमारे बस में और हमारी सकत में जो चीज़ें ना हो उनका हमें ज़िम्मेदार न बनाया जाए उनका बोझ हम पर ना डाला जाए चौथी दुआ ये है कि जो भी हमसे गलतियाँ हो गई उन्हें माफ़ कर दिया जाए यानी उन्हें मिटा दिया जाए हरफ़ ग़लत की तरह ख़त्म कर दिया जाए वो फ़ाइल ही ख़त्म कर दी जाए और पाँचवीं दुआ वग फिर लेना यानी हमें हमारी ऐसी मगफरत हो कि हमारी गलतियों को कोताही को ढाँप दिया जाए छुपा दिया जाए सत्तारी फरमा दी जाए और उन पर मुआज़जा ना हो उनका हिसाब ना हो वो अगर हैं भी फाइलें मौजूद हैं तो उन्हें छुपा दीजिए अपने कर्म से उनको ज़ाहिर ना फरमाइए और छठी दुआ यह है कि हम पर रहमत की बारिश फरमा दीजिए इनाम फरमा दीजिए अपने अपनी नेमतों से हमको नवाज दीजिए अपनी जन्नत अता फरमा दीजिए मशर आसान फरमा दीजिए दुनिया हमारे लिए राहत की बना दीजिए और फिर उसके बाद आखिरी बात यह है कि आप ही असल वली हैं असल गार्जियन हैं असल ज़िम्मेदार हैं आप ही परवरदिगार हैं आप ही मालिक हैं दुनिया में मजाजी तौर पर बाप हैं और बेटे हैं और रिश्तेदार हैं और अहले तल्लुक़ हैं लेकिन ये सब मजाजी हैं सब मिटने वाले हैं और बाकी और ग़ैर फानी अगर हैं तो सिर्फ आप हैं इसलिए आप हैं जो असल वली और असल मुतवली और असल मुरबी हैं इसका इकरार करते हुए अब ज़ाहिर है कि यह दस्तूर दिया गया है उम्मत मुस्लिमों को यह दस्तूर दिया गया है उन लोगों को जिनकी तरबियत आखिरी नबी ने फरमाई है कि अब वो आखिरी दौर की जिम्मेदारियों को संभालेंगे और ये उनको बता दिया गया है कि आलमी नज़ाम वो बर्पा करेंगे और उनके मुकाबले में काफ़िर ताक़तें होंगी जो इनकार करेंगे इस कानून का नबी का अल्लाह की किताब का तो फिर अब उनको ये चाहिए कि वो आखिरी दुआ ये मांगें कि उन सुर ना अल कौमिल काफ़िरीन एला जो अनबिलीवर्स हैं नहीं मानते हैं मुनकिर हैं तस्लीम नहीं कर रहे हैं हक को छुपा रहे हैं हक़ को ढक रहे हैं या हक के मुनकिर हैं उन पर हमारी हमको फतेह अता फरमाई हमें नुसरत से नवाज दीजिए अरे के अल्लाह ताला ही है जो फतेह आता फरमाता है अगर उसका फ़ैसला ना हो तो सारे इस्बाब ढेर हो जाते हैं और फतेह नहीं होती उसका फैसला हो तो कितनी कम इस्बाब हो फतेह होती जंग बदर में इसबा कम थे तादाद कम थी फतेह हुई जंग हुनैन में तादाद ज़्यादा थी इस्बा ज़्यादा थे शिकस्त हुई फिर बाद में उस शिकस्त का मज़ा चखा कर अल्लाह ततह से नवाज़ दिया तो इस तरह से बड़ी जाम तरीन और मुख्तसर तरीन दुआओं पर मजलिस का अख्तित हो रहा है और ये वो इस्लामी मामलकत की पार्लिमेंटेरियन मजलिस है जो अल्लाह की तरफ से मुनदद की जा रही है और जिसका इनकाद अल्लाह के आखिरी नबी की सदारत में हो रहा है और इकरार सबसे पहले उन्होंने किया और उसके बाद उम्मत के नुमाइंदों से ये इकरार लिया गया फिर उम्मत के हर हर फर्ज से इस इकरार को लिया गया और साथ ही साथ उसूल इस क़ानून के और जवाबित बता दिए गए और दुआओं पर अख्ताम फरमा दिया गया वाखिराना रब्बिल आलमीन